नॉनस्टॉप एंटरटेनमेंट के लिए सब्सक्राइब करें शेमारू चैनल्स। शक्ति कपूर, आशा, मैं जानता हूं कि एक ही चिंता तुम्हें शांति नहीं पहुंचाती, वो है पायल की। ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। रामू। जी साहब। ये शक्ति को पहुंचा देना। जी हाँ। चलो, एक काम तो हो गया, सब पेपर शक्ति के पास पहुंच गए। हेलो, हाँ स्पीकिंग, यस यस, अरे भाई मैं बोल रहा हूँ। हाँ, लंदन से कब आए? मैं ठीक हूँ। काम काज? अरे दोस्त, मेरा काम काज, मजहब, पूजा, सब तुम ही तो हो। अरे तुम्हारी दी हुई एक उम्मीद पे तो जिंदा हूँ। हाँ लेकिन शक्ति, हाँ मुझे इस पर ना उम्मीद ना करना दोस्त, प्लीज ना उम्मीद मत करना यार। पायल? हाँ अच्छी है, एकदम अच्छी है। पिछले दिनों जब मैं वहां गया था तो बहुत खुश हो गई थी। अरे उसने तो मेरे से एक बात पर झगड़ा ही कर लिया, वो तुम्हारे दिए हुए चश्मे है ना, वो सब टूट गए उन्हें बदलवाने के लिए। हाँ अरे यार, मुझे पहली बार एहसास हुआ कि पायल बड़ी हो गई है यार। हाँ हेलो शक्ति, शक्ति तुम चुप क्यों हो गए? हेलो हेलो शक्ति, तुम चुप क्यों हो गए? प्लीज कंटिन्यू। या शक्ति, जो तुमने हाँ जो तुमने पेपर मंगवाए थे वो मैं भेज दिया मैंने। हाँ क्या? नहीं 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 शक्ति, नहीं नहीं, तुम्हें मेरी कसम शक्ति, नहीं ऐसा मत कर शक्ति। देखो मैं इस उम्मीद पर तो जिंदा हूं शक्ति, अगर ये बात मुमकिन नहीं थी तो नहीं शक्ति। देखो शक्ति, सुनो, आज तक तुमने मुझसे जो कुछ कहा मैंने माना शक्ति, लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं तुम्हारी भाभी को क्या मुंह दिखाऊंगा? अभी मैंने तुम्हारी भाभी से कहा कि सब ठीक हो जाएगा। आशा को मैंने बोला कि तू चिंता ना कर। कैसे होगा शक्ति, प्लीज। हेलो 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 शक्ति, अरे क्यों चुप हो गई शक्ति? अरे मेरी उम्मीद तुम हो शक्ति, ये कैसे ठीक हो जाएगा? कैसे चिंता ना करूं? पायल, एक बात समझ में नहीं आती, हमेशा कॉलेज जाते वक्त कोई ना कोई नाटक करती हो, और आज ये बैसाखी। जानी, ये तुम नहीं समझोगी, ये हमारा मास्टरमाइंड का कमाल है। अरे यार, आजकल बस में बैठने की जगह नहीं मिलती है, और ये बैसाखी हमारा पासपोर्ट है, इसे दिखाने से बस में जगह भी मिल जाती है और साथ में टिकट के पैसे भी बच जाते हैं। ये बॉम्बे है मेरी जान, यहाँ एक ढूंढो।
अरे रे रे रे, शर्म आनी चाहिए तुमको, लानत है तुम पर। अरे कपाट लड़की खड़ी है और तुम बैठे हो। खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, शर्म आनी चाहिए तुमको। हटो हटो, संभाल के बेटी, संभाल के। टिकट टिकट। अंकल मेरी बैसाखी। लाओ बेटी लाओ। कहाँ जाओगे? अरे ठहरो ठहरो बेटी, मैं निकालता हूँ उसमें क्या। ये कहाँ जाओगी? गर्ल्स हॉस्टल। गर्ल्स हॉस्टल देना। थैंक यू। ये लो। थैंक यू। बेटी बचपन से तुम अपाहिज हो? हाँ अंकल। भगवान की मर्जी के आगे किसका चलता है। बचपन से अपना ये बोझ बैसाखी पे डाले घूम रही हूँ। तुम्हारे माँ बाप क्या करते हैं बेटी? माँ माँ का प्यार तो बचपन से ही नसीब नहीं हुआ। नहीं। और बाप बाप तो इस हालत में छोड़कर चला गया। ये भगवान, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है भगवान। बेटी मुझसे किसी का दुख नहीं देखा जा सकता। लेकिन देखना अंकल, मैं भी अपनी मेहनत से इतना नाम कमाऊंगी, इतना नाम कमाऊंगी, सारी दुनिया को बता दूंगी मैं भी किसी से कम नहीं। देखा देखा लक्ष्मी, देखो ये एक लड़की है और एक हमारी लड़की है जो दिन भर कार में घूमती रहती है और हमें बस में धक्के खाने पड़ते हैं। भगवान सभी को ऐसी ही औलाद दे। थैंक यू अंकल। चलो भाई गर्ल्स हॉस्टल। एक्सक्यूज मी अंकल, मेरी बैसाखी। होता है होता है, सबकी औलाद एक जैसी नहीं होती। कमॉन कमॉन लाइए। लक्ष्मी बाय। बाय। ये क्यों हो रहा है? मुझे नहीं चाहिए ऐसी औलाद। आउच। अच्छा तो आप इस तरह अपने कॉलेज का नाम रोशन कर रही हैं? अपाहिज बनकर लोगों को बेवकूफ बनाती है। मैडम ये मेरी बैसाखी नहीं है। तुम्हारी नहीं थी तो तुम्हारे पास कैसे आई? मैडम जब मैं कॉलेज से आ रही थी तो एक लंगड़ा आदमी रास्ते को क्रॉस कर रहा था, अचानक एक टेम्पो आ गया और उसे उड़ा डाला। दुख हुआ ना मैडम। अब तू रो मत, तुम्हें रोता देखकर मुझे भी रोना आता है। जा अपने कमरे में जा। अब कभी पायल के खिलाफ कंप्लेन की तो हॉस्टल से निकाल दी जाओगी। इतनी भली लड़की के लिए बुरा कहते तुम्हें शर्म नहीं आती? दफा हो जाओ यहाँ से। पायल सीमा ने भी बड़ी भारी चाल चली, तुझे रंगे हाथों पकड़वा दिया। लेकिन पायल ने भी क्या एक्टिंग की है, मैडम को तो रुला ही दिया। तो क्या हुआ, सबके सामने इज्जत तो चली गई। इज्जत किसकी जाती है ये कल सुबह पता चलेगा। Thank you.
अरे पहली बार मुर्दे को खाट पे लिटाकर कफन के पैसे जमा करते हुए देखा है। अरे बाप रे, चलो ऑटो भाई ऑटो, ये क्या सुबह सुबह भीड़ कर रखी है। अरे साहब ये तो बहुत बड़ा केस लगता है। ए लड़की, ए लड़की, सोने देना यार। अरे इंस्पेक्टर साहब डरना नहीं, ये तो हमारे कॉलेज की लड़की सीमा है। मैंने रात को इसको बहुत समझाया पर नहीं मानी, बोली लाइट नहीं है, बहुत गर्मी लगती है, मैं तो रोड पे ही सोऊंगी, क्या करें। थैंक यू साहब। मैंने कहा ट्रैफिक जाम हो जाएगा और पुलिस राउंड पे आएगी तो तकलीफ हो जाएगी, तो बोली मैं तो पुलिस को अपने जूते की नोक पे रखती हूँ। क्या पुलिस को ऐसा बोली। ए लड़की साहब उठते ही बेवकूफ बनाकर निकल गई, अब कहाँ ढूंढो। एक्सक्यूज मी बहन जी, आपने किसी ऐसी लड़की को देखा है जो लंगड़ी नहीं है मगर ऐसे ऐसे चलती है। वो ऐसे ऐसे कुछ चलती थी और कहे ना बेवकूफ, बस में मुझे बेवकूफ बनाकर पकड़ लिया, कल लंगड़ी बनी थी, मुझे बेवकूफ बनाया, मुझे उल्लू बना, पैसे निकाल, फुकट की टिकट के पैसे निकाल। तो मैं वो लड़की नहीं हूँ, हर मुजरिम यही कहता है कि मैं निर्दोष हूँ। निकाल पैसे, निकाल पैसे, निकाल। नहीं अंकल, मैंने उसे बहुत समझाया कि लोगों को बेवकूफ बनाकर अपने माँ बाप का नाम बदनाम मत कर। किसको समझाया तूने। वो मेरी जुड़वा बहन है, अब देखिए ना आप मुझ अंधी को गलत समझ बैठे। बेटे तुम्हें मुझे माफ कर दो बेटी। कोई मुझे उस पार कर दे। अरे मैं तुम्हें पार करवा दूंगा बेटी। मुझे भी प्रायश्चित करने का मौका दो, मैंने तुम्हारा दिल दुखाया है। कितने खुश नसीब है तुम्हारे माँ बाप जिसे इतनी होनहार औलाद मिली है। संभालो बेटी संभालो, और एक हमारी औलाद है, उफ क्या बताएं उसके बारे में। उस तरफ नहीं बेटी, इस तरफ। हाँ हाँ संभाल के। हाँ बेटी बहुत ही तकलीफ होती होगी ना, अंधी हो दिखाई नहीं देता। क्या करें अंकल, भगवान कोई ना कोई शिकार तो भेज ही देता है। शिकार मतलब रास्ता तो निकल ही जाता है ना। अच्छा। अब देखिए ना कभी टीवी देखने का दिल करे। हाँ? तो बेचारे किसी से भी पूछ लो सब समझा देते हैं। अच्छा आप कभी टीवी सीरियल देखते हो। हाँ देखता हूँ ना। आप बिल्कुल टीकू जैसे दिखते हो। है? गाड़ी संभालना फिर चलेंगे। ये क्या हो रहा है, ऐसा मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। हाँ ये क्या हो रहा है, ऐसा मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, ये दूसरी बार मैं बेवकूफ बनाऊ। ये सुनते हो। अरे ये क्या हो रहा है। माफ करना। पायल को ऐसा मजाक तो नहीं करना चाहिए। ये मजाक थोड़ी है, पूरी पब्लिक के सामने बिना टिकट का शो कर दिया। वो सीमा रियल शो तो आज शाम को शुरू होगा, अगर पायल को पूरे कॉलेज के सामने आज नहीं नचाया तो कल से मैं कॉलेज छोड़ दूंगी। डोंट डिस्टर्ब मी, मुझे शाम के प्रोग्राम की तैयारी करनी है। हाय हेलो हाय, शाम को सब लोग तैयार हैं ना। फिर मैंने कहा तुमने कभी टीवी देखा। हाय किशोर, काश ये सच्ची का देवानंद होता और तू मधुबाला होती। सच्ची का देवानंद होता। रुमाल है तेरे पास। हाँ अभी देख तेरे देवानंद का कोट कैसे उतरवाती। हाय किशोर। हाय वाओ, तुम यहाँ खड़ी हो, मैं तुम्हें प्रिंसिपल की ऑफिस से लेकर कैंटीन तक ढूंढता आ रहा हूँ। मुझे और तुम, कोई खास काम था। तो आप शाम को क्या कर रही हैं, गाना गा रही हैं या फिर मिमिक्री। व्हाट हैपेंड, क्या हुआ, होता है होता है, किसने बुलाया। हट गया। हट गया किसका। मेरा पीछे। कहाँ पीछे, पीछे कहाँ। सेंटर। सेंटर, नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। एनीवे आज शाम के प्रोग्राम में आप गाना गाएंगी या
मिमिक्री करेंगे जी। मुझे सड़े हुए अंडे और टमाटर खाने का कोई शौक नहीं। जब तू लाल कपड़े पहनकर आती है तो फायर ब्रिगेड नजर आती है। फर्क सिर्फ इतना है कि वो आग बुझाने आती है और तू आग लगा के जाती है। ड्रेस तो आपने भी लाल पहन रखी है, इरादा क्या है? इरादा आप जान जाएंगे। इस चिट्ठी में लिखा है कि आप सबों के बीच में एक खूबसूरत गर्ल स्टूडेंट की मौजूदगी है जो अपनी सुरीली आवाज में एक गाना पेश करना चाहती है। कौन है वो? रीटा। नो, अब आप सोचिए कि औरत का सबसे खूबसूरत गहना कौन सा होता है? पायल। पायल, 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 thank you.
नमस्ते जी, मुझे शक्ति कपूर कहते हैं, पायल से मिलना है। बहुत अच्छी लड़की है पायल। अच्छा हुआ आप आज ही आ गए, वरना दो दिन बाद सभी लड़कियां छुट्टी पर चली जाती। देखो पायल से कहो उससे कोई मिलने आए हैं। ये अच्छा, आप वेटिंग हॉल में बैठिए, पायल वहीं मिल लेंगे। हेलो। हेलो, मुझे शक्ति कपूर कहते हैं, मैं तुम्हारे पापा का दोस्त हूँ। अरे हाँ, पापा से आपके बारे में काफी सुना है, अक्सर खत में भी जिक्र किया करते हैं। और आप गाना बहुत अच्छा गाते हैं ना, और आपके कपड़े पहनने का शौक, ओहो। पापा एक किस्सा सुनाते थे, एक दिन आप हमारे घर सोने आए, बरसात का मौसम था, भीग गए, कपड़े गीले हो गए, आपने पापा के कपड़े पहन लिए। पता है इस बार खत में मैंने छिपकली भेज दी, टकली। पापा तो बहुत डर गए होंगे और बोले होंगे हम का डर है। मैं जब खत लिखती हूँ ना, बहुत बड़े बड़े अक्षर लिखने पड़ते हैं, पापा का चश्मा टूट गया ना। मैंने कितनी बार उनको समझाया नया चश्मा ले लो, पर नहीं, बोलते हैं ये शक्ति का तोहफा है, पर इस बार तो मैं नया चश्मा लेकर ही जाऊंगी। इससे पहनने वाला अब नहीं रहा। पापा ने कभी नहीं बताया कि उनको इतनी बड़ी बीमारी थी। तुम्हारे पापा तुम्हें कभी कोई दुख नहीं पहुंचाना चाहते थे। तुम नहीं जानती हो कि तुम्हारे पापा तुमसे कितना प्यार करते थे, इसीलिए उन्होंने दूसरी शादी नहीं की। लेकिन मरने से पहले उन्होंने मुझे एक राज बताया था कि तुम्हारी नानी मां तक जिंदा है और मैं तुम्हें उन तक पहुंचा दूं। अगर मेरी नानी है तो पापा ने ये सब पहले क्यों नहीं बताया? वो इसलिए कि तुम्हारी मां ने तुम्हारे पापा के साथ नानी मां की मर्जी के खिलाफ शादी की थी, और तुम्हारे पैदा होते ही तुम्हारी मां इस दुनिया से चल बसी। उनकी मौत का जिम्मेदार तुम्हारी नानी मां तुम्हारे पापा को समझती थी, इसीलिए वो ये नहीं चाहती थी कि तुम तुम्हारे पापा के पास रहो। लेकिन तुम्हारे पापा के पास तुम्हारी मां के मरने के बाद जिनका एक ही सहारा बचा था, और वो थे तुम, इसीलिए उन्होंने ये राज तुमसे छुपाया। चलो तुम्हें तुम्हारे नानी मां के पास पहुंचा दूं। कहाँ रहती है वो? छह, ये सात और ये आठ अंडे। हाँ, और ये एक, ये दो, ये तीन, ये चार और ये पांच, ये छह, ये सात। अरे अरे अरे, मुझे बेवकूफ समझ रहा है? अभी मेरी नजर इतनी कमजोर नहीं हुई कि मैं छन्नी को रुपया समझ लूं। चल निकाल और पैसे निकाल। देख नानी, कभी अपना भी तो भला कर दे। मैं रोज तेरे ही पास से अंडे ले जाता हूँ होटल के लिए। वैसे गांव में और भी जगह है जहाँ से अंडे मिलते हैं। हाँ हाँ, तो ले लेना वहीं से जहाँ से मिलते हैं। वैसे तो हमसे अंडे लेता है तो कौन सा एहसान करता है? पगार देता है तुझे परदेसी, पगार देता है तुझे परदेसी। अरे अगर पगार पे काम चले ना तो इंडिया के सारे लोग भूखे मर जाएं। आजकल तो ऊपर की कमाई पर ही काम चलता है, बात करती है। हाँ हाँ, उस परदेसी के होटल में काम करके हराम की कमाई करना ही तो सीखोगे, क्योंकि उस होटल में चाय नाश्ता कम जुआ ज्यादा चलता है। आज मैं फिर हार गया। हो गई ना इच्छा पूरी, हार गया ना। अबे तुझसे कितनी बार कहा इसके साथ मत खेल मत खेल मत खेल। और तू ओए कोल्हापुरे, तू भी यहाँ पर किसी को जुआ मत खिलाया कर। अब ये चाय के पैसे कौन देगा है? तू के तू? अबे चाय के पैसे मांगता है तो फिर ये बोर्ड क्यों लगा रखा है? अरे हमसे पूछता है कि बोर्ड क्यों लगा रखा है, है? एक तो जुआ खेलना, ऊपर से चाय का पैसा भी नहीं देना, और फिर ये पूछना कि ये बोर्ड क्यों लगा रखा है। बैठिए साहब,
बोलिए क्या लेंगे? दाल फ्राई, चना मसाला, आलू गोभी, बैंगन का भरता, सैंडविच के चाय। चाय। ए अब्दुल, सेठ को चाय मार। कितना माल लाया है ये? बाजा है क्या? बजता है क्या? तेरे को अच्छा बाजा बजाना आता है, मेरे को अच्छा ताश फिराना आता है। एक एक बाजी हो जाए, ज्यादा नहीं, 10-10 रुपया। क्या अपुन का रोज का 10 रुपये का खर्चा है ना? रोज एक बकरा ढूंढता है अपुन। देख देख, ये एक, ये दूसरी। अपुन को आदत है तीन तीन की। गोला पूरे का बेड़ा गरक कर डाला। नाच और नाच, खुल के नाच। और परदेशी तुम ही नाच, दोनों साथ में मिलके नाचो। शांति हो गई ना? सुबह से टोक लगा कर रखी थी, अभी चाय का पैसा इसी से ले लेना। अट्टा खोला। अबे ये कालिया, ये अट्टा है। तीसरा बादशाह किधर है? तीसरा बादशाह अपन है। ए गुरु, बस क्या नाराज हो गया क्या? साले होटल में तो ऐसे देख रहा था जैसे जानता ही नहीं है। क्या करूं गुरु, तेरे को तो मालूम है अपुन ने पापी पेट की खातिर परदेसी को अपुन का सेठ बना लिया है। अभी वो परदेसी तेरे को पसंद नहीं करता तो मैं क्या करूं यार? तो नक्की कर ले, सेठ चाहिए के दोस्त। देख, परदेसी अपुन की गाड़ी में पेट्रोल भरता है और तू अपुन की गाड़ी का पहिया है। अरे गुरु, अपुन को तो मिल गई। तू गले लग, मैं चलता हूँ। आज मेरी मुन्ने। अब जब तक मैं वापस जाऊंगी राशन की दुकान भी बंद हो चुकी होगी। हे भगवान, इस काली बिल्ली को नहीं तो तू इस काले को उठा ले। अरे बेटी पूजा, इधर आओ ना। नहीं, मैं नहीं आऊंगी, तू मुझे मारती है। नहीं नहीं, नहीं मारूंगी, चॉकलेट दूंगी तुझे, आजा। शाबाश। क्या कर रहा है? बेटी जरा तू अंदर जाएगी। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, तू क्या नहीं जाती? वो बिल्ली गई ना। हाँ, बुड्ढी होकर बिल्ली से डरती है। मैं जाती हूँ। कहाँ है बिल्ली? तुम बहुत डरती हो बुड्ढी माँ। मैं डरती वरती कुछ नहीं, वो तो बिल्ली रास्ता काट गई थी, तू नहीं समझेगी। चल जा, जा यहाँ से। ये चॉकलेट? हाँ, चॉकलेट चाहिए। और वो जो तू रोज मेरे पिंजरे से अंडे चुराती है उसका क्या? चल फुट यहाँ से। तुम क्या चाहिए तुम्हें? कौन हो तुम लोग? आप ही हैं शांति देवी। क्यों, मैं तुमको अशांति देवी लग रही हूँ? देखो, अगर तुम लोग चंदा मांगने आए हो ना तो मैं कोई चंदा मांगा नहीं देती। हाँ, मुझे शक्ति कपूर कहते हैं, मैं कुछ मांगने नहीं, आपको देने के लिए आया हूं। आपकी अमानत, आपकी बेटी आशा की आखिरी निशानी, आपकी नवासी पायल। क्या चाल चल रहा है तुम्हारा बाप? बरसों पहले एक चाल चली थी और मेरी बेटी को ले गया, और अब इतने सालों बाद खुद अपनी बेटी को भेज दिया कि जा, अब तो बुढ़िया मर रही होगी, जाकर सारी जायदाद समेट कर ले आ। लेकिन याद रखना, मैं एक फूटी कौड़ी नहीं देने वाली, सब कुछ दान धर्म कर दूंगी, लेकिन तेरे बाप की इस चाल को मैं कामयाब होने नहीं दूंगी, हरगिज नहीं। जब शतरंज नहीं रहे तो मोरे क्या चाल चलेंगे? आइए अंदर है। शांति देवी, मैं पायल के डैडी का दोस्त ही नहीं, उनका हमराज भी हूं। क्या बताऊं, वो अचानक
अचानक वो इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन उनकी आखिरी इच्छा थी कि पायल को आप तक पहुंचाना। और मरने वाले की आखिरी ख्वाहिश तो हर इंसान पूरी करता है। आप तो पायल की मां जैसी हैं, आपकी बेटी की निशानी है वो। वो मालिक किसी का अमानत है, उसे संभालना हमारा धर्म है। अब तुम्हें यही रहना होगा। अकेलेपन ने शांति देवी को चिड़चिड़ा बना दिया है। ऊपर से पत्थर है लेकिन अंदर से मोम है तुम्हारी नानी माँ। उसे जीतना अब तुम्हारा काम है। वक्त मिलने पर मैं आता जाता रहूंगा। ओके, ऑल द बेस्ट। ए, कहाँ चली? पहले बोलती है कि मत आओ, फिर बोलती है कहाँ चली। मैं करूँ तो क्या करूँ? अब बाहर ही खड़ी रहोगी कि अंदर भी आओगी? तुमने तो मना किया था, अब अंदर कैसे आऊं? अब मैं ही तो कह रही हूँ ना, अंदर आ जाओ। नानी माँ। नानी माँ, मना किया ना मैंने? मत कह मुझे नानी माँ। बड़ी आई नानी, मैं बहुत गुस्सा करती हूँ नानी माँ। गुस्सा नहीं करूँ तो क्या करूँ? बहुत गुस्सा करती हूँ, इतने बड़े घर में अकेली रहती हूँ। साथ बैठकर खाना खाने वाला तो ठीक, कोई बात करने वाला भी नहीं है। देखी तो बेटी थी मेरी, तेरी माँ तुझसे भी ज्यादा खूबसूरत थी वो। जब वो इतनी छोटी सी थी, तुझे देखकर मुझे ऐसा लगा कि भगवान ने एक बेटी छीनकर मुझे दूसरी बेटी दे दी है। सोचा था तुझे देख देख कर मैं ये बाकी की जिंदगी भी काट लूंगी। 16 साल तरसी हूं तेरी सूरत देखने को, रोज सोचती थी फिर पायल आएगी, फिर पायल आएगी, लेकिन तेरी चिट्ठी तक नहीं आई, कभी नहीं आई। नानी माँ, अब तो मैं आ गई हूं ना, कहीं नहीं जाऊंगी। अब तू कहीं जाएगी ना तो टांगे तोड़ दूंगी तेरी। कैसी लड़की है, कब की आई हुई है, इतना भी नहीं होता कि नानी माँ के गले लगो। नानी माँ, मुझे भी तो माँ का प्यार नहीं मिला। अरे गुरु, चांदनी तो बहुत देखी, ये तो चंद्रमुखी है, चंद्रमुखी। माँ कसम, ऐसा फटाकड़ा आइटम आज तक नहीं देखा। क्या बात है बाप। इतने सूखे बाल हैं, लगता है कभी तेल डाला ही नहीं। पर नानी माँ, सामने देखो। हाँ, फिर क्या हुआ? फिर क्या, मैंने उसका घर से निकलना बंद करा दिया। कॉलेज छोड़ने और लेने वो जाया करती थी। एक दिन उसे मैं कॉलेज से लेने गई तो गेट पर 1 घंटा खड़ी रही। सारी लड़कियां चली गई लेकिन तेरी माँ तो आई नहीं। हाँ, फिर? परेशान होकर मैं घर पहुंची तो वहां चिट्ठी मिली। क्या क्या? वो तेरे पिताजी के साथ भाग गई। सच नानी माँ, फिर तो बहुत मार पड़ी होगी ना? उसे तो नहीं पड़ी मार, लेकिन तूने कभी ऐसी हरकत की ना तो छोड़ूंगी नहीं, वो मारूंगी। चल हो गया, जा जा सो जा। तो बहुत डांट रही थी ना, मेरा कोई नहीं है। चुप, शरारती कहेंगी, चल सो जा। तुम बहुत अच्छी हो नानी माँ। सो जा बेटी, सो जा।
टिंकू टिंकू जल्दी आ, जितने अंडे लेंगी उतनी चॉकलेट मिलेगी। जल्दी आ करो, बुड्ढी अम्मा नहीं आ जाए। अरे जल्दी करो। अरे क्या हो रहा है? बुड्ढी अम्मा आ रही है। टिंकू टिंकू छोड़ो, ये नहीं पूजा के बच्चे, ये तो मेरे साथ चले जा। क्या बताऊं पायल बेटी, सुबह सुबह बच्चों ने सारे अंडे उड़ा दिए। अरे नानी माँ, अंडे नहीं मुर्गियाँ उड़ा दी होंगी। तू अंदर जा, मैं एक एक को ठीक करती हूँ। सुबह सुबह चुका दिया, अब तू ही संभाल ले बेटी। अच्छे बच्चे ऐसा नहीं करते, बता दो नानी माँ को। तुम अभी नई नई आई हो यहाँ की, तुम्हें नहीं पता तुम्हारा नाम क्या है। पायल। और तुम्हारा? पूजा। अच्छा दोस्ती करोगी? दोस्ती और तुमसे? हाँ कर लो ना। इस उम्र में बच्चे स्कूल जाया करते हैं, पढ़ाई किया करते हैं, ऐसा काम थोड़ी ना करते हैं। ऐसा कैसा काम? जैसे कि अंडे चुराना। हाँ। बड़े जब पूरी बात नहीं जानते तो बच्चों के बीच में नहीं बोलना चाहिए। मतलब? मतलब के ये अंडे हमने चुराते, वो जो अर्जुन है ना अर्जुन, वो हमको चॉकलेट देता है और हम बच्चों से अंडे चोरी करवाता है। चल दोरा चल, ये बता कितने लिया? देखना दिखता नहीं क्या? अरे गुस्सा करता है यार। चले रख चल, तेरी भी चुप मेरी भी चुप, अंडे रख गुपचुप। चलो नेक्स्ट, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ये तो बतक का लगता है यार। गुरु इसको मिला के 8 हुए हैं। लगता है बुढ़िया की सारी मुर्गियां कुड़ुक हो गई हैं। अरे गुरु कुड़ुक नहीं हुई, अपनी पूजा नहीं आई अभी तक। 6-7 अंडे तो वो अकेली लेके आती है। कौन अर्जुन? वो जो बैठा है ना लंबू, वो ही हमसे सब काले काम करवाता है। ओ, तो ये बात है। हाँ। ये, इधर आ। तू नहीं आ सकता क्या? अरे क्या कर दी क्या, चॉकलेट नहीं चाहिए क्या? आज तक बिना अंडे तूने किसी को चॉकलेट दिया क्या? वो लड़की कौन है? बुड्ढी अम्मा की पोती है, उसका नाम पायल है, बम्बई से आई है। हाँ। नानी बोला कहाँ से राशन लाना है? तू राशन लेने नहीं जाएगी? क्यों 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 क्यों? अरे तुझे नहीं मालूम, राशन की दुकान जाने का रास्ता उस नुक्कड़ पर से गुजरता है और उस नुक्कड़ पर सारे गांव के बेकार लड़के बैठे रहते हैं। हाँ। जिनका लीडर है अर्जुन। हाँ। जो रोज हमारे घर से अंडे छुड़वाते हैं ना। तुझे कैसे मालूम? हम बॉम्बे वाले हैं, हमको सब पता चलता है। पर तू फिक्र मत कर नानी, मैं बस गई और आई। ओके। अरे 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 पायल जल्दी आना। हाँ। वाह क्या चाल है, सचमुच पायल। अरे गुरु अगर ये पायल मुझे मिल जाए ना तो गले में पहन लो। अगर मैं झोला होता तो इसके हाथ में होता। बॉम्बे वाले गुंगे होते हैं क्या? चाचा दो चॉकलेट दे। चॉकलेट दो, चॉकलेट बिस्किट, पैसा कौन देने वाला है? बापू से ले लेना। हाँ बापू को बोलना, बिल बहुत बढ़ गया अभी। हाँ। अरे बेटी क्या चाहिए तुम्हें? पहली बार देखा तुमको, नई नई आई हो गांव में। ए टोपी, ये शांति देवी की पोती है, पायल नाम है इसका। तू चुप कर, अरे तुम्हें कौन पूछता है, सारे गाँव की पनौती हो। बेटी तू जरा भी बुरा नहीं मानना। अरे गुरु ये लड़की अगर मेरी साइकिल पर बैठ जाए ना तो जिंदगी भर चलाता रहूं, रुको ही नहीं। अरे बेटी बोझा कुछ ज्यादा ही हो गया है, किसी को छोड़ने भेज दूं? नहीं चाचा, कोई ना कोई तो हमार मिल ही जाएगा। तक छोड़ देना। क्यों चुप गया ना मोती को? हाँ अब बैठ के करो क्या क्या क्या। चुप। गांव में सब गूंगे रहते हैं क्या?
हवाई जहाज नहीं मिला उड़ा कर ले जाने के लिए, साइकिल पर सवार हुए हो? साइकिल और तू नीचे उतर, तुझे मना नहीं किया था मैंने? तूने कभी अपनी सूरत आईने में देखी है? अर्जुन नाम रख देने से कोई अर्जुन नहीं बन जाता। वो अर्जुन ने तो एक आंख से घूमती हुई मछली को निशाना बना लिया था, लेकिन तू अपनी दोनों आंखें खुली रखकर भी ना एक चींटी को नहीं मार सकता। बड़ा आया, अर्जुन नाम रख लिया। जब ऐसे तीरंदाज यहाँ रहते हैं तो हम शरीफ लड़के वाले यहाँ कैसे रहेंगे? होता है होता है, अब पता चला बॉम्बे वाले घूम के नहीं होते। अर्जुन मेरा राशन। क्या हुआ गुरु, मजा आ गया ना? क्या खाक मजा आया, तेरे कारण आज पूरे गांव में बेइज्जती हो गई। अर्जुन की साइकिल पर पहली बार कोई लड़की बैठी। अरे तू बहुत खुश नसीब है गुरु, तू बहुत खुश नसीब है। एक अर्जुन ने सुभद्रा को रथ पर बिठाकर इतिहास बना डाला था, तूने भी तो पायल को साइकिल पर बिठा लिया, तू भी इतिहास बना डाल। क्या बोलता है? बेडू कुछ भी बोल, लड़की बहुत अच्छी है। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, नागेंद्र नारायणो नमोस्तुते, हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। कहो भाई कैसे आना हुआ? पंडित जी ये अर्जुन कौन था? क्या आज नानी माँ ने भी इसी बात पर ताना दिया, और वो कालिया भी कह रहा था कि उसने इतिहास बना डाला। क्या ना पंडित जी, अपन को भी इतिहास बनाने गए पायल के साथ, अपन को भी बना डालो ना अर्जुन के जैसा। क्या बड़े गए थे पंडित से पूछने के लिए अर्जुन कौन था? अरे मुझसे पूछते पूरी गीता समझा देता। देख अर्जुन, सौ की सीधी बात तो ये है कि इस गांव में सिर्फ दो ही टिप टॉप लड़के हैं जिससे पायल प्यार कर सकती है, एक तो है तू और दूसरा अपुन जो मैं। एक बात तू समझ ले, ये कोई हमारा गांव नहीं कि लड़की बोले अजी सुनते हो मैं जा रही हूँ गंगू चाचा के खेत में, तुम वहीं आ जाना। सीधा साइकिल पर बैठकर कहना कि मुझे घर तक छोड़ दो, ये बात तो कोई बीवी ही कह सकती है अपने मियाँ से। क्या देखो अर्जुन, तुमने उसी वक्त पप्पी लेनी चाहिए थी। तू चुप बैठना यार। देख अर्जुन मैं तो सीधी सलाह दूंगा, तू झटपट शादी का मुहूर्त निकलवा ले, पायल तेरे प्यार में दीवानी हो गई है। Thank you.
लगता है रात भर सोया नहीं, ताश खेल रहा था क्या? अरे ओ, तेरे से पूछ रहा हूं, तेरे से। अगर किसी लड़के को किसी लड़की से प्यार हो जाए हाँ, तो वो उसे कैसे बताता है? अरे गुरु, लड़के को जाके बोल दे आई लव यू। अरे ए, चल चर्ची, सो जा, चल। आजा आजा, मैं हूं प्यार तेरा। चप्पल छुआ इसको, मिर्गी हो गई है यार। ए, इन लोग के बोलने में आना नहीं, ये लोग तो पिटवा देंगे लड़के को। देख, लड़के को चाहिए कि वो देख, लड़के को चाहिए कि वो एक खूबसूरत सा फूल ले और लड़की के हाथ में जाकर दे दे। लड़की अपने आप सब समझ जाएगी। तुम फूल भी बेचते हो? नहीं नहीं, ये बेचने के थोड़ी है। जो तुम समझते हो वो ये है नहीं, जो तुम नहीं समझती ये वो है। पर क्या? जो हो गया है वो कह नहीं सकता, इसलिए सोचा सीधा करके दिखा दूं। उस कालिया ने तो कहा था कि एक ही से समझ जाओगी, लेकिन वो तो इतना होता है, और आप उनको तो इतना हो गया खटारे जितना, इसलिए तो ठेला भर के लाया हूँ। तुम कहो तो करके दिखा दूं। ये कहने की बात थोड़ी है, ये तो करके दिखाने की बात है। ये लो फूल। क्या हो रहा है? ये लो। What nonsense, you silly fool! ज्यादा शानपति मत कर। अरे लेकिन गुरु, मेरी गलती तो बता। कितना डाटा उसने मुझे मालूम है, वो भी अंग्रेजी में। अरे लेकिन वो फूल देने का आइडिया तेरा ही था ना? हाँ। अर्जुन पायल ने वहीं पर बुलाया है। कहाँ पर? वो उसी से पूछ लेना, मगर जल्दी आना। उतरने मत तेरा साले हरामी को, आता हूँ मैं। क्या काम था? कुछ भी कहो, तुम्हारे फूल देने की अदा हमें बहुत पसंद आई। हद से क्या हो, जरा सी साइकिल में क्या बैठ गई तो सीधा फूल लेके आ गए, और फूल ले लेती तो सीधा शादी का प्रपोजल लेके आती क्या? हाँ, एक तो पूरी रात सोया नहीं, रात भर साइकिल चलाता रहा। तुम साइकिल से उतरी नहीं, और ऊपर से एनी वी आर यू इंटरेस्टिंग। बाय द वे, तुम्हारी जोड़ियाँ साइन क्या है? हाँ?
जोरिक साइन यार। ओ मेरा मतलब है बिट ऑफ सॉरी जन्मदिन। जिस दिन देश आजाद हुआ था उस दिन अर्जुन पैदा हुआ था। नेपोलियन भी लियो था और राजीव गांधी भी लियो थे। लियो का मतलब शेर होता है। वो जब चलता है ना तो ऐसा लगता है जैसे जंगल में से शेर गुजर रहा हो। उनकी इरादे फौलाद से भी मजबूत होते हैं। वो बड़े जिद्दी होते हैं। वो जहाँ भी जाते हैं सबसे आगे रहते हैं और वो अपने दिल में जो बात ठान लेते हैं उसे कहा गया। क्या वजीर चाचा, वजीर चाचा मुझ में कोई फर्क दिखता है? तुम नहीं समझोगे चाचा, मैं लियो हूं। क्या हूं? लियो। कालिया, मैं लियो हूं। क्या क्या हूं? मैं देखो पायल, मुझे कुछ मत बताओ। तुझे यहां कितने दिन हुए? हाँ मैं अच्छी तरह जानती हूँ अर्जुन को। एक नंबर का बदमाश है, कुत्ते की दुम, टेढ़ी की टेढ़ी। अरे नानी माँ, कुत्ते और इंसान में फर्क होता है कि नहीं होता? हाँ? और वाल्मीकि भी तो डाकू था, पर उसने रामायण लिखी थी कि नहीं? पायल तू अपने रूम में जा, मुझे रामायण और महाभारत के पाठ नहीं सुनने, जा। अरे वाह वाल्मीकि। नानी माँ, तुम्हें कैसे पता चला कि आज मेरा जन्मदिन है? पूरे 18 साल की हो गई है, बच्चों की तरह सवाल करती है। मुझे कैसे पता चला तेरा जन्मदिन है? तेरे जन्म के बाद जब पहली बार तेरी माँ तुझे लेकर यहाँ आने वाली थी, तब उसके लिए ये कपड़े, ये गहने, लेकिन तेरी माँ अरे ये क्या, जन्मदिन वाले दिन? नहीं नहीं, हंसो, चलो हंस के बताओ। बुड्ढी अम्मा, पायल को हंसाने के लिए तो मैं एक अच्छा सा तोहफा लेके आती हूँ। शाबाश। ए टिंगू, ये घोड़ा कितने का है? 4.50 रुपया बेटी। ये भी बहुत महंगा है। सुबह सुबह मेरा नुकसान करवा दिया, मेरा खिलौना टूट जाता तो नुकसान कौन मेरा बाप करता? ए टिंगू, प्लास्टिक का खिलौना कभी टूटता है क्या? चुप कर, मैं कौन पूछता है? सारे गांव की पनौती हूँ, जरा टूटे खेले, हम क्या ना चाहो तेरा, ना ला ये पूजा इधर आ। नहीं, मुझे दे दो ये, वो पायल का जन्मदिन है ना। इधर आ वरना टिंगू को बोल दूंगा। क्या है? मेरा एक काम करेगी? पायल को हम सब की तरफ से। सुन, क्या बात है पूजा? तुम्हें नहीं, प्राइवेट है। क्या क्या समझती नहीं? क्या तुझे अर्जुन ने बुलाया है वही जगह पे? हेलो, तुम बहुत अच्छी लग रही हो। इतना सब कहने के लिए इतनी दूर बुलाया? नहीं नहीं, वो तुम्हारा जन्मदिन है ना, इसीलिए। पर तुम्हें कैसे पता? तुम्हीं ने तो कहा था कि लियो सबसे आगे होते हैं। वो मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ। ठेले में नहीं,
तो ये कहो ना कि जन्मदिन का तोहफा देने के लिए बुलाया है। हाँ हाँ वही तो। पैर इधर रखो। हाँ? इधर रखो, रखो ना। अरे ये तो कुछ भी नहीं, मेरा बस चलता तो ये भी ठेला भर ले आता। तुम बहुत भोले हो अर्जुन। अच्छा लगा ना? हाँ। जब तुम इसे पहनकर चलोगी तो जहां से भी गुजरोगी पूरा माहौल छम 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 की आवाज से गूंज उठेगा। जोड़ी जम रही है, महक रही हैं आप। भगवान आप दोनों की जोड़ी सलामत रखे। हम पूरे गांव वालों का आशीर्वाद है। सुना है अर्जुन पायल को जन्मदिन के तोहफे में पायल पहनाई। वाह भाई वाह। कोई प्यार करना तो आपसे सीखे। बहुत खुश हो रही हैं आप। पूछा नहीं अर्जुन को कि ये पायल कहां से आई? क्यों पूछते? और अर्जुन, मैं आज तक दो दो चार चार रुपए की हर चोरी बर्दाश्त करता रहा लेकिन खामोश रहा। लेकिन आज तुमने मेरे होटल के गल्ले से 600 रुपए चुराकर इस लड़की को पायल पहनाई। मैं खामोश नहीं रहूंगा, दुनिया के सामने चिल्लाकर कहूंगा कि चोर है तू, चोर है तू, चोर है, चोर है तू। Thank you.
अपनी मेहनत की कमाई है, इस तोहफे को कबूल करोगी ना? अपने पैसे परदेसी को देकर इस पायल को लाया हूं। सामने कहा? कुछ दिखाई दे रहा है? कुछ भी तो नहीं दिखाई देता। कुछ है ही नहीं। पायल, तुम्हारे साथ शादी करने के बाद इस झील के उस पार एक छोटा सा घर बनाऊंगा जिसमें हम मिलकर रहेंगे और हमें किसी की नजर नहीं लगेगी। बेटी, मैं तुम्हारा एहसान जिंदगी भर नहीं भूल सकती, क्योंकि तुम मेरी पायल को लाए हो जिसके आने से मेरी सुनी और वीरान जिंदगी में बाहर आ गई है। ये सब ऊपर वाले के खेल हैं। किसी की जिंदगी में बाहर आती है और किसी की जिंदगी में पतझड़। नानी माँ, आओ ना। हेलो नानी माँ, उठो ना, जल्दी उठो ना। शक्ति जी, ये अर्जुन है। अर्जुन, ये शक्ति जी है। नानी माँ, जल्दी चलो ना। आइए। कहाँ से आ रहे हो? ऐसे ही घूमने गए थे। ज्यादा घूमना सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। आप उनकी सेहत के लिए क्या अच्छा क्या बुरा, आप उन्हें अच्छी तरह जानता है। तुम उसे जानती नहीं हो, वो बुरा लड़का नहीं है। आज पता है उसने मुझसे क्या मांगा? क्या? वो तुम्हें माँ कहना चाहता है, उसे हक दे दो ना नानी। कोई भी तो नहीं है उसका, वो कितना खुश हो जाएगा। जुबान को ज्यादा चलती है तुम्हारी। आज के बाद पायल को मिलने की कोशिश मत करना। नौकर है मामिया। शक्ति जी, ये क्या कह रहे हैं आप? मैं जो कुछ कह रहा हूँ बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ, तुम बीच में मत बोलो। अरे क्यों ना बोले? तुम होते कौन हो मेरे घर आए मेहमान को निकालने वाले? ठीक है, तुम मेरे दामाद के दोस्त हो, पायल को मेरे पास लाए हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारा मेरे पूरे घर पर अधिकार हो गया। जो जी मैं आया करोगे। तुम बैठ जाओ बेटे। शांति देवी, मुझे समझने की कोशिश करो। रहने दो, सब समझती हूँ, कोई बच्ची नहीं हूँ मैं। आप समझ नहीं रही हैं शांति देवी, आप मेरी बात तो सुनिए। आइए, सारा दूध उबल जाता ना, और तुम ही तो कहती हो दूध का गिरना अपशगुन होता है।
अपशगुन तो हो ही गया। क्या अपशगुन हो गया? नानी माँ, तुम्हें याद तो कुछ रहता नहीं, मुझे बताया तक नहीं। दवाई खत्म हो गई, सारी रात भर खांसती रही। मैं भी दवाई लेकर आती हूँ। कहाँ जा रही हो? दवाई लेने। मैं भी जा रहा था, कहो तो तुम्हें छोड़ देता हूँ रास्ते में। नहीं, मैं पैदल ही चली जाऊंगी। जब मैं उसी तरफ जा रहा हूँ तो आपको रास्ते में छोड़ दूंगा ना, आइए ना। ठीक ही तो है, जब वो उसी तरफ जा रहे हैं तुम्हें भी रास्ते में छोड़ देंगे। आजकल बहुत जिद करने लगी हो, मेरी बात सुना करो बेटा, तुम जाओ उसके साथ। सुना है पायल जब से शांति देवी के यहाँ आई है तब से उस शहरी बाबू का आना जाना काफी होता है। देखो परदेसी सेठ, उस दिन भी सबके सामने तुमने अपने गुरु को बेइज्जत करके अच्छा नहीं किया। इज्जत बढ़ा देता उसकी, तेरे गुरु ने इतना अच्छा काम जो किया है, अरे वो तो छोड़ दिया, वरना हाथ पैर तोड़ देता उसके। मैं क्या तोड़ देता? हाथ पैर। किसी का शीश मैल तुड़िया क्या? तू तुमका साले चर्ची, बीच में बकबक शुरू कर देता है। अगर इसके हाथ में वो पप प्लेट होती तो वो टूट जाती तो। भिड़ू, सोच तेरे हाथ में प्लेट होती तो। ये है ना प्लेटें परदेसी, ये है ना। है अब किन? अरे कमाल है क्या? अरे फिर कुछ टूटा क्या? चुप कर साले चर्ची, मारू तो। तू समझता क्या अपने आप को? अबे अबे अबे, अरे ये तोड़ फोड़ कर सब बराबर कर दिया, इसका नुकसान कौन भरेगा? तेरा बाप। देखो मेरे गुरु ने पहली बार ईमानदारी के काम के लिए चोरी की थी और तुमने सारे बाजार के सामने उसको बेइज्जत कर दिया। हम लोगों ने कुछ किया नहीं किया, क्योंकि वो पायल से बहुत प्यार करता है। मैंने तुम्हारा ये सारा सामान तोड़ दिया, अब तुम कुछ करोगे? नहीं करोगे, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। देख देख देख, तेरे गुरु की पायल चली उस शहरी को घायल करने। ड्राइवर गाड़ी चलाओ। हेलो, आप कौन बोल रहे हैं? मैं शक्ति कपूर बोल रहा हूँ। सर पीटर मर गया। पीटर मर गया? बहुत शराब पीता था, रोजी को इन्फॉर्म कर दो। सर आप कहाँ से आ रहे हैं? मैं शांति देवी घर से आ रहा हूँ। ओ, पायल भी तो मिली होगी, और सुना है अब तो वो 18 साल की हो गई है। मुझे मालूम है कि वो 18 साल की हो गई है। तुम अपने आप को समझते क्या हो? हाँ, जिंदगी 4 दिन की अर्जुन, उसमें से 2 दिन तो तुमने आवारा गर्दी में बिता दिए। तुम क्या चाहती थी? वो जो परदेसी बोला मैं सुन लेता, और तुम भी उसकी गाड़ी में जाकर बड़े रुआब से बैठ गई थी। देखो पायल, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, और जो भी तुम्हारी तरह पांव उठाकर देखेगा मैं उसकी आंख निकाल दूंगा। मेरी जिंदगी हो पायल। Yeah.
कभी फिर सनम मुझे अपना बनाना न जाना कभी फिर सनम शक्ति कपूर बोल रहा हूं। बोले शांति देवी आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ। पायल कैसी है? वो बाहर गई। वो सो रही है। जरा पायल का आप ध्यान रखिए। तुमने जैसे बताया मैं बिल्कुल वैसा ही कर रही हूँ। शाम होते ही परिंदे भी अपने घोंसले में लौट आते हैं। कहाँ थे तुम दोनों अब तक? अरे नानी माँ, तुमको पता नहीं, हम लोग मेरी दुनिया में गाना गा रहे थे ना, वो ऊंची वाली हिल में, तो अर्जुन वहां से नीचे फिसल गया और उसको ये पैर पे लग गई। चोट आई है उसको। ये पैर नहीं, वो पैर। हाँ, जोर से चोट आई है सच्ची में। वो
पायल, अब तुम बच्ची नहीं रही। सूरज ढलने के बाद जवान लड़की का घर से बाहर रहना ठीक नहीं। और तुम्हें क्या इतनी भी तमीज नहीं किसी गैर लड़की के साथ इतनी देर तक घूमते हो? पायल, तुम अपने कमरे में जाओ। नानी माँ, पायल मेरे लिए गैर थोड़ी है, और अब तो उस पे मेरा कुछ तो हक है। जब तक कोई चीज अपनी नहीं हो जाती उस पर अपना हक नहीं समझना चाहिए। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जब तक कोई चीज अपनी ना हो जाए उस पर अपना हक नहीं जताना चाहिए। यही कहा था ना नानी माने, तो मैं तुम्हें ये बताने आया हूँ कि तुम मेरी हो चुकी हो और मेरा कितना हक है तुम पर। रहने दो। नानी माने देख लिया तो जाओ ना प्लीज। एक शर्त पर। क्या? कल फिर मिलोगी ठीक 2 बजे। अच्छा बाबा 2 बजे, अभी तुम जाओ ना प्लीज। जाओ। मैं क्या करता? दिखाता हूँ मैं क्या करता। मैं क्या करता? और फिर ये करता। ये मैं हूँ। मैं जो हूँ। फिर तुम कहती कि एक लड़का था, उसका नाम अर्जुन था, मैं उससे बहुत प्यार करती थी, वो लियो भी था। प्लीज अर्जुन, प्लीज तुम नीचे उतरो ना। नीचे उतर जाओ, तुम्हें मेरी कसम, प्लीज। हाँ, अब समझ में आया तुम्हें? आओ, आओ हम कसम खाते हैं। इन वादियों की, इन वादियों की, इन हवाओं की, इन हवाओं की, इन फिजाओं की, इन फिजाओं की, जब तक हमारे सीने में धड़कने वाला दिल है और दिल में प्यार है, दिल में प्यार, हम हर रोज मिलेंगे, हर रोज मिलेंगे और मिलते रहेंगे, और मिलते रहेंगे। शायद मैं आ ही नहीं सकती थी। क्यों? वो आया था ना। वो कौन? शक्ति कपूर। लगता है उस शक्ति का तो मुझे था कर देना पड़ेगा। अरे नहीं बाबा नहीं, ऐसा मत करना। नानी माँ उनकी बहुत इज्जत करती है, वो हमारे फैमिली मेंबर जैसे हैं। मैं तुमको आज एक बात सच सच बता देना चाहती हूँ, वो बात जो सारा गाँव जानता है, मैं भी जानती हूँ और आज तुम भी जान लो। मैं पायल की शादी अर्जुन के साथ कर रही हूँ। ये शादी नहीं हो सकती शांति देवी, ये शादी नहीं हो सकती। बेटी के प्यार ने आपको अंधा बना दिया है। आप ये क्यों नहीं समझ रही हैं कि आप कितना बड़ा झूठ बोल रही हैं? जिस झूठ को बोलने से मेरी बच्ची को खुशियां मिलती हो, उस झूठ को बोलने में कोई पाप नहीं। लेकिन मैं झूठ नहीं बोल सकता। झूठ मुठ का सिंदूर पायल को दुल्हन नहीं बना सकता। तुम एक बात भूल रही हो शांति देवी, तुम जो उसे शादी का जोड़ा पहनाना चाहती हो वो शादी का जोड़ा नहीं, एक कफन है। और आज तक किसी भी दुल्हन को कफन में लपेट कर विदा नहीं किया गया। तुम्हें उसकी बीमारी का बिल्कुल अंदाजा नहीं। वो आज जितने भी दिन काट रही है उसका हर एक दिन, हर एक पल, हर एक लम्हा भगवान का दिया हुआ तोहफा है। वो कभी भी मर सकती है, कभी मर सकती है। आ, 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 आ,
पायल बेटी। नानी माँ। गुड मॉर्निंग नानी माँ। इतनी जल्दी उठ गई? बड़ी खुश है आज बेटी, क्या बात है? नानी माँ, सुबह की किरणों का जिंदगी के साथ कितना गहरा ताल्लुक है। जैसे उगता हुआ सूरज पूरे आसमान में लाल पीले रंग भर देता है, वैसे ही दिन की शुरुआत खुशी से हो तो पूरा दिन खुशियों से भर जाता है। आज मैंने उगते हुए सूरज की किरणें देखी, आज मेरा भी दिन बहुत अच्छा जाएगा। मैंने भी कभी सूरज की उगती किरणें देखी थी, न जाने बीच में ये काला बादल कहां से आ गया। घड़ी के साथ? हाँ, अरे नानी माँ, घड़ी के साथ नहीं, मैं तो वक्त के साथ खेल खेल रही हूँ। अब देखो ना, वो वहाँ पे इंतजार कर रहा होगा और मैं तो गई नहीं। पर नानी माँ तू ही बता, इसमें मेरा क्या कसूर? मेरी घड़ी में तो 2 बजे ही नहीं। देखो ना नानी माँ, मैंने वक्त को कैसे रोक लिया। काश ये वक्त रुक जाता। अरे पगली, वक्त को रोकने के चक्कर में तुझे पता है वक्त कितना आगे निकल गया है? 6 बज रहे हैं। चल घड़ी में 6 बजा। क्या मजाक कर रही बेटी, मेरी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा है। तुम नहीं समझोगी नानी। अरे मैं मिलने नहीं गई थी ना, तो उसे आएगा गुस्सा। वो आएगा घर पे, बोलेगा पायल पायल मैं नहीं आऊंगी, फिर तुमको पकड़ेगा, बोलेगा अपन पायल से मिलने आया है, बुलाओ उसे। देखो मैंने कहा था ना, आ गया, जाओ, मैंने जो कहा था वही करो, ठीक है? डरना मत, प्लीज प्लीज प्लीज। इतनी बड़ी हो गई है, इसका बचपन अभी तक नहीं गया। पायल कहाँ है? वो तुमसे नहीं मिलना चाहती, उसने कहा है कि तुम उसे भूल जाओ। नानी मजाक मत करो। मैंने पहले भी कहा था ना तुमसे अर्जुन, जब तक कोई चीज अपनी नहीं हो जाती उस पर अपना हक नहीं समझना चाहिए। अब तुम जाओ। पहले ही बोला था मैंने कि इन शहरी लड़कियों के चक्कर में मत पड़, मगर नहीं, तेरी समझ में तो कुछ आता ही नहीं ना। देख, इन शहरी लड़कियों के लिए प्यार व्यार की कोई कीमत नहीं होती, इनके लिए सिर्फ एक ही चीज जरूरी है, पैसा। वो पैसा जो उस शक्ति कपूर के पास है। तू पायल को नहीं जानता, वो मजाक कर रही है, वो मुझे चाहती है। हाँ, हाँ, वो मुझे चाहती है। तू बैठे रह यहीं ये सोचते हुए, और वो वहां। लो आ गई चमची। अर्जुन, अर्जुन इधर आ। गुरु का दिमाग ठीक नहीं है, जो भी बोलना है वहीं से बोल।
मुझे पायल ने भेजा है। हाँ? हे, हे कालिया, हे पायल ने मुझे बुलाया होगा। देख पायल ने मुन्नी को भेजे। अरे कालिया, पायल ने जरूर बुलाया होगा। ये शेर की लड़की क्या करता है? अरे पायल ने बुलाया होगा मेरे को। हे मुन्नी, पायल ने कुछ बोला क्या? बोला क्या पायल ने कुछ? हे मुन्नी बोलना। हे पायल ने कुछ बोला क्या? पायल ने यही कहलवाया ना कि वो मजाक कर रही थी। बोल, पायल ने मुझे मिलने को बुलाया ना? हाँ, कह रही थी ना वो मुझे प्यार करती है। नहीं अर्जुन, पायल ने ये लौटा दिया है। आशिकों से बस यही एक इल्तिजा है मेरी मोहब्बत Thank you.
चाहते हो तुम? क्यों कर रही ये सब? ये जानते हुए कि मैं और पायल एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं, क्या था मैं, क्या था मेरे पास? एक आवारा था मैं। दुख हुआ तुमको? दुख हुआ तुमको कि मैं इंसान बन गया? तकलीफ हुई तुमको? तकलीफ हुई तुमको कि पायल मेरी बन गई? पायल और मैं एक मोहब्बत का छोटा सा आशियाना बनाना चाहते हैं। मत तोड़ो उसे, मत तोड़ो उसे, मत तोड़ो उसे। बैठो। देखो, मैं नहीं चाहता कि तुम कोई ऐसा सपना देखो जो देखने से पहले टूट जाए। एक दिन डॉक्टर गुप्ता एक लड़की का ऐसा केस लेकर आए जिसके दिल में एक छेद था और उसका एक वॉल्व बिल्कुल खराब हो चुका था। 2 साल की उस मासूम बच्ची को लेकर जब उसका बाप अरुण मेरे सामने आया तो मुझे बहुत बड़ा शॉक लगा। अरुण और मैं बचपन के दोस्त थे और जब अरुण को उसकी बच्ची पायल की बीमारी के बारे में पता चला तो वो पागल सा हो गया। पायल की बीमारी का सिर्फ एक ही इलाज था और वो था ऑपरेशन, लेकिन वो ऑपरेशन बहुत खतरनाक था। अरुण ने मना कर दिया, साफ साफ मना कर दिया, कहा कि नहीं चाहिए मुझे ये ऑपरेशन, नहीं चाहिए। अरे मेरी जिंदगी का सिर्फ एक ही सहारा बचा, वो भी तुम साले डॉक्टर लोग छीन लेना चाहते हो। नहीं चाहिए मुझे ये ऑपरेशन। तब डॉक्टर गुप्ता ने एक आशा की किरण दिखाई, कहा कि ऐसे केसेस में जब पेशेंट धीरे धीरे बड़ा होता है उसकी बॉडी का रेजिस्टेंस और बढ़ जाता है और वो ऑपरेशन झेल सकता है, फिर भी ऑपरेशन कामयाब होना बहुत मुश्किल है। बस उस दिन से आज तक हमेशा मैं पायल के पूरे समाचार रखता हूं। यह तो खुशी की बात है, आज तक ऐसे कोई सिम्टम्स नजर नहीं आए, लेकिन फिर भी डॉक्टर साहब मुझे माफ कर दीजिए, पायल को बचा दीजिए डॉक्टर साहब, पायल को बचा दीजिए, आप तो कुछ भी कर सकते, पायल को बचा दीजिए डॉक्टर साहब, बचा दीजिए पायल को। देखो डॉक्टर होने के नाते मैं तुमसे यह तो नहीं कहूंगा कि मैं हार चुका हूं, लेकिन मैं तुमसे हकीकत नहीं छुपाऊंगा। पायल का बचना नामुमकिन है। अगर भगवान चाहे तो उधार की दी हुई सांस से वो कुछ दिन और बढ़ा सकता है। ए गुरु, कहीं तो मजाक तो नहीं कर रहा? देख, ऐसा मजाक अपन बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। काश ये मजाक होता। अरे ये मजाक नहीं तो और क्या है? अरे जब अपन की मां मरी थी ना तो 1 महीना बिस्तर पर बीमार पड़ी थी, और अपनी पायल तो अच्छी खासी है, खेलती कूदती है, घूमती फिरती है, वो कैसे? तू झूठ बोल रहा है ना? उसे कोई बहुत बड़ी बीमारी है जो अंदर से कभी भी कुछ भी हो सकता है। अरे बेटी सोई नहीं तू? नींद नहीं आ रही होगी, आजा आजा मेरे पास आजा। Oh.
यहाँ सो जा मेरे पास। नानी माँ लोरी सुनाइए ना। जिस तरह नदी के दो किनारे कभी नहीं मिल सकते,
उसी तरह मैं और पायल भी। अरे तो कैसी बात कर रहा है यार, प्यार करने वालों को भगवान हमेशा मिलाता है। अब मैं क्या बताऊं नानी, ना सास है ना ससुर, ना देवर है ना ननद, घर में झगड़ा ही नहीं, अनाथ है ना लड़का। और एक बात बताऊं नानी, मेरे अर्जुन से तो ज्यादा प्यार करने वाला लड़का मिल ही नहीं सकता पायल को। सारा सारा दिन घर में बैठा रहेगा पायल के साथ, काम काज जो नहीं करता, और काम काज नहीं करेगा तो सारा दिन बैठा रहेगा घर में पायल के साथ प्यार करते हुए। और बड़ी बात तो ये है नानी कि पायल को रसोई बनानी ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि लड़का जब कमाएगा नहीं तो राशन नहीं लाएगा, है ना? हाँ, और राशन नहीं लाएगा तो रसोई नहीं पकेगी, और सेहत भी खूब बनेगी पायल की। अरे नानी, सुना है चने सेहत के लिए बहुत अच्छे होते हैं। हाँ? लियो बोल लियो। ये लो, असली बात तो मैं बताना ही भूल गया, लड़का लियो भी तो है। हाँ? लियो नानी, लियो यानी शेर। शेर भूखा मर जाएगा पर घास कभी नहीं खाएगा। मैं तो कहता हूँ करवा ही लो ये शादी। देखो बेटी, ये शादी तो नहीं हो सकती। मेरी पायल की उम्र ही क्या है, बहुत छोटी है, वो जरा बड़ी हो जाए। पायल, कुछ नहीं होगा पायल, आगे करो पायल, बेटी नहीं पायल। समुंदर की रेती से महल। देखो अर्जुन, मुझे तुम्हें इन्हें किसी को भी ये नहीं मालूम कि सुबह की कौन सी किरण मेरे लिए मौत का पैगाम लेके आने वाली है। और तुम ये चाहते हो कि मेरी जिंदगी का एक पल सवारने के लिए तुम्हारी सारी जिंदगी दुखी कर दूं। इतनी मतलब ही नहीं हूं मैं तुमसे प्यार करती थी अर्जुन, और अब भी करती हूं, पर इस मोड़ पे मैं ये महसूस नहीं करना चाहती कि तुम मेरी मांग में दया का सिंदूर भर रहे हो। एक डूबती हुई नाव के माछी बनने की कोशिश मत करो अर्जुन। हो गया तुम्हारा पूरा? अब मैं कुछ बोलूं? अगर इसी बीमारी का पता मुझे शादी के बाद चलता तो क्या करता मैं? हाँ, क्या करता? और अगर यही बीमारी, हाँ पायल, यही बीमारी जो तुम्हें हुई है मुझे हो जाती, क्या करती तुम? हाँ, सोचा आज राखी के दिन तुम्हें इस सूती धागे में ऐसे बांध लूं बहना कि तुम जीवन भर बन जाओ।
लो बांध लिया। पर कालिया तेरे छोटे से दिमाग में इतनी बड़ी बात कैसे नहीं आती? सूती का धागा तो कच्चा होता है ना, कभी भी टूट सकता है। ये लो भाई की तरफ से। कम है, कम आता नहीं ना इसलिए। पर तुम फिक्र मत करो, मैं बहुत मेहनत करूंगा, खूब पैसे कमाऊंगा और अगली राखी तक इतनी चीजें लाऊंगा अपनी अपनी बहन को खुशियों से भर दूंगा। और हाँ हाँ, अगली राखी तक तुम्हारा एक छोटा सा मुन्ना भी होगा, एक मुन्ना भी होगा। और मैं ना, मैं उसके लिए लाल हरे पीले नीले सब रंग के कपड़े लाऊंगा, सब रंग के। और वो नो चांस। अगली राखी पर तुम्हारी बहन जहाँ होगी ना कालिया, वहां तो पोस्टमैन भी राखी नहीं पहुंचा सकता। अगर अपनी बहन को खुशियां देना चाहते हो ना तो एक काम करना, मेरी मौत का सदमा नहीं झेल पाएगा अर्जुन, नहीं बर्दाश्त करेगा, उसे संभालना। वैसे तो वो लियो है, ऊपर से शेर है, पर अंदर से तो उसका दिल मोम जैसा है, नहीं संभाल पाएगा अपने आप को। संभाल लोगे ना उसे? देखो अर्जुन, ये वक्त हिम्मत का है, तुम हिम्मत मत हारना, हिम्मत मत हारना अर्जुन। आ रहा अर्जुन। अब तू मुझे पकड़ के दिखा। खैर अभी पकड़ती हूँ। सॉरी। शक्ति जी आप? अर्जुन ने फोन करके बुलाया है। क्यों? अरे चुपचाप शादी कर लोगी क्या? वैसे तो शक्ति जी कहती रहती हो और शादी की खबर तक नहीं दी। अरे मेरे आशीर्वाद के बिना तेरी शादी कैसे हो सकती है? I'm sorry, मैंने आपको गलत समझा, मगर गलती आपकी भी है, आपने भी मुझे गलत समझा। आपने मुझे इतना कमजोर दिल कैसे समझ लिया, मुझे बताया तक नहीं। अरे डॉक्टर साहब, मरने के गम में कोई जीना थोड़ी ना छोड़ देता है। No tears, no crying. अरे आप तो डॉक्टर है, आपका तो प्रोफेशन है, अब हर पेशेंट के लिए ऐसे रोएंगे तो आंसू तो खत्म हो जाएंगे ना। Come on, laugh, laugh, give me a smile, fast. Hey, पूजा, fast, कितना? जो पहला आउट हो गया ना उसे दांव वापस नहीं मिलेगा। मुझे मालूम है, तुम यही कहोगे ना शांति देवी, आंसू पोंछ लो, अब और देर मत करो, जल्दी शादी की तैयारी कर लो। हाँ मैं भी यही चाहती हूँ, जल्द से जल्द इसकी शादी हो जाए। अगले महीने की 20 तारीख से पहले कोई मुहूर्त नहीं है, शादी जल्दी करना, बहुत जरूरी है पंडित जी। अरे शांति देवी, पायल तुम्हारी अपनी पोती है, कोई पराई तो नहीं, फिर उसे इतनी जल्दी क्यों विदा करना चाहती हो? कुछ दिन और ठहर जाओ। मेरा बस चले तो मैं जिंदगी भर उसे विदा न करूं, लेकिन मैं नहीं ठहर सकती। पंडित जी आप फिर से पोती देखिए ना। सोम बुध मंगल बुध बुधवार का दिन बहुत शुभ है शांति देवी जी। कितनी खुशी मिलती है सोचकर कि हम दो से एक हो जाएंगे, शादी होगी हमारी, अग्नि के सामने साथ फेरे लेंगे हम। मंगलसूत्र पहनाकर ये कसम खाऊंगा कि जन्म जन्म तक तुम्हारा साथ निभाऊंगा। तुम भी निभाओगी ना? जब से तुमसे मिली हूँ तब से एक ही सपना सजाया है मैंने, तुम्हारी दुल्हन बनने का, पल पल तुम्हारे साथ रहने का, रोम रोम में तुम्हें बसा लेने का। ये
मेरी एक बात मानोगी? मैंने तुम्हें पूछे बिना ही कुछ सोच लिया है, बस तुम्हारा साथ चाहिए। क्या? मैं शादी के बाद तुम्हारा ऑपरेशन करवाना चाहता हूं। जिसका सक्सेस का चांस सिर्फ 1% है। देखो अर्जुन, मुझे जो हुआ है वो 1-2 साल में तो नहीं हुआ ना, बचपन से है ये, और अब तक तो मैं ठीक हूं, तुम्हारे सामने हूं। पर होने को कौन टाल सकता है, जो होना है वो तो होके रहेगा ना। वो 1% चांस के लिए मैं तुम्हारा साथ एक पल भी गवारा नहीं चाहती, और तुम तो जानते हो। अर्जुन, अर्जुन टीकू। अच्छा था, तो रोज धक्के खाकर बस में जाया करता था, पहली बार गाड़ी में बिठाया, अब धक्के मरवा रही हो। ठीक कहा था लक्ष्मी ने कि मत जाओ गाड़ी में घूमने, लेकिन चला था बुरारी हीरो बनने। ओफो, इनके लिए तो बस ही अच्छी थी। क्या पापा, अब कोई मैकेनिक भी तो नहीं मिलेगा ना यहाँ पे? अरे मैकेनिक को छोड़ो, मैं ये सोच रहा हूँ यहाँ BST बस भी नहीं मिल सकती है ना। प्लीज पापा, मेरी खातिर, फिर मैं कभी आपको बस में बैठने के लिए नहीं बोलूंगी। स्वीट डैडी प्लीज। देखो आज मुझे मत सताना, मेरी औलाद ने मुझे बेहाल कर दिया है। तुम कौन हो, कहीं से भी प्रकट हो जाती हो, देवी हो, भूत हो, कौन हो तुम? यानी गुंगी हो, बेजुबान हो, तो वो कौन थी? एक दो तीन, दो एक लंगड़ी, एक अंधी, तुम तीन जुड़वा बहने हो, और बेटी तुम गुंगी हो। अरे रे रे रे, हे भगवान, ये क्या हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, ये आप ही के साथ क्यों होता है? ठहरो, नहीं छोड़ूंगा, ठहरो, रुको, आज नहीं छोड़ूंगा। शांत हो जाइए भाई साहब, उसकी तबीयत खराब है, उसे अभी अभी अटैक आया है, कभी भी
कभी कुछ भी हो सकता है। अरे नाटक कर रही है आप लोगों को मालूम नहीं है, नाटक कर रही है, तीन बार मुझे बेवकूफ बना चुकी है। अरे भाई साहब, कभी लंगड़ी बनकर तो कभी अंधी बनकर तो कभी गूंगी बनकर। आप मेरी बात तो सुनिए। नहीं साहब, ये एक्टिंग कर रही है साहब, ये एक्टिंग कर रही है, सच कहता हूँ माँ जी, ये एक्टिंग कर रही है। बेटी बता दो ना इन सब लोगों को कि तुम एक्टिंग कर रही हो, बता दो एक बार, बता दो बेटी। आज तक तुमने मुझे बेवकूफ बनाया है, एक बार बेटी, एक बार भगवान को भी बेवकूफ बना दो प्लीज। मेरी शादी अगले हफ्ते, सच्ची आप आएंगे ना? मुझे कुछ का दुख नहीं देखा जा सकता। नहीं आ सकूंगा साहब मैं। चुप हो जा। नहीं आ सकूंगा, किसी का दुख मुझे देखा नहीं जा सकता साहब, नहीं आऊंगा। अंकल अंकल, पायल को क्या हुआ? छे नारल सजा के पताके, सुपारी, अबील, हल्दी, गुलाल और चावल। और क्या चाहिए बेटा? बस। कितने पैसे हुए? 60 रुपये। चर्सी, तेरे पास कितने पैसे हैं? कालिया, मेरे पास 24 रुपये हैं। अरे बेटा, जिंदगी भर कमाई की है, पैसा ही कमाया है, पुण्य कभी नहीं कमाया। अरे पायल, तुम्हारी बहन जैसी है तो मेरी भी तो बेटी जैसी है। ले जाओ, ऐसे ही ले जाओ, ले जाओ। माफ करना चाचा, बहुत बार तेरे को टोपी टोपी कह के सताया, पर तू तो बहुत दिलवाला निकला रे। कुछ रह तो नहीं गया? नहीं, सारा सामान ले लिया। चलो, नानी माँ इंतजार कर रही होगी। अरे यार, आज पायल की शादी है, उसकी तबीयत कितनी खराब है, और बिल्ली का रास्ता काटना किताब शकुन होता है मालूम है। ए, बोलना, पायल को कहीं कुछ हो तो नहीं जाएगा ना? कालिया, सेठ जी, वो बिल्ली, भगवान की बनाई हुई कोई भी चीज मनहूस नहीं होती, इसलिए बिल्ली के रास्ता काटने या ना काटने से कोई फर्क नहीं पड़ता। और भगवान इतना निर्दयी नहीं है, पायल की शादी को कोई नहीं रोक सकता। चलो चले। कुछ समझ में नहीं आता, शादी की खुशी मनाओ के। एक बात सच बताइए, शादी के बाद जब पायल को मैं विदा कर लूंगी, दोबारा उससे मिल सकूंगी ना मैं? बहुत हिल मिल गई थी मेरे साथ वो, अब चली जाएगी, सारा घर सुना सुना हो जाएगा मेरा। इस सुनेपन की अब आपको आदत डालनी पड़ेगी। मेरी बेटी भी तो है,
कन्या के भाई को बुलाओ। भी तो पायल के भाई जैसे हो। याद है मेरा वादा, हमारा सपना, शादी होने के बाद एक नई दुनिया बसाने का? पूरा हो गया, वो देखो
नहीं जाएगा ना। तेरी सांसों में सांस है मेरी, मेरे सीने में तेरी धड़कन है, कैसे टूटे अपना सदियों पुराना बंधन है। नहीं पायल, नहीं, कौन सी किरण मेरी मौत का पैगाम लेके आने वाली है।